ओके जी, लेट्स डू अ वेरी क्विक एरिया कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो है वो चैनल एक रेक्टेंगुलर चैनल है, और बिलफर्जी रेक्टेंगुलर चैनल के ये हमारा रेक्टेंगुलर चैनल है। ठीक है, और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर चैनल आ गया, और जो इसके अंदर पानी है वो इतना है। ठीक है, ठीक है, हमने इसकी जो है ना बेसिकली वो बॉटम विड्थ को चेक किया, तो इसकी जो विड्थ थी दो किताबों के बीच में डिस्टेंस था वो आ गया बिलफर्ज 5 मीटर। ठीक है ना, फिर हमने इसकी डेप्थ को चेक किया, गहराई को चेक किया, ठीक है ना, वो बिलफर्ज आ गई 2 मीटर। इसका एरिया कितना बनेगा? ऑब्वियसली बात है कि इसका जो एरिया बनता है बी इंटू वाई बनता है। ठीक है ना, स्मॉल बी इंटू वाई, ये कितना बनता है एरिया? एरिया विल बी इक्वल टू 5 ज़रब 2। ठीक है ना, ये कितना एरिया हो गया इसका? ये आ गया 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखनी है आपने कि जो एरिया है ना रेक्टेंगुलर चैनल का, उसको भले आप स्मॉल बी इंटू वाई लिख दो, भले लार्ज बी इंटू वाई लिख दो, क्योंकि लार्ज बी क्या होती है? लार्ज बी डिस्टेंस होता है इसका टॉप के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे तक का डिस्टेंस। अब चूंकि रेक्टेंगुलर के अंदर ये दोनों सेम ही होते हैं, तो हम चाहे इसको स्मॉल भी कर दें लार्ज भी कर दें, बात एक है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है ना, लेकिन ट्रेपेज़ॉइडल के लिए और ट्रायंगुलर के लिए स्मॉल भी और चीज़ है, लार्ज भी और चीज़ है। सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए स्मॉल भी और लार्ज भी की वैल्यू जो है ना वो एक ही आती है। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं आपने होना। क्लियर है ये वाली बात? बहुत ज़बरदस्त। ठीक, तो चाहे इधर मैं स्मॉल भी कर दूँ लार्ज भी कर दूँ, बात एक। अच्छा, हमारा दूसरा जो चैनल था ना वो बिलफर्ज हमारा था ट्रेपेज़ॉइडल। ठीक हो गया, मेरी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है लैपटॉप की, तो मैं कोशिश करूँ जल्दी करूँ ज़रा। तो ये बेसिकली जो है ना आपका ट्रेपेज़ॉइडल।